लेकिन जो सवेरे नहीं उठेगा और जो अल्टरनेट मांग रहा है वो सिंगर बनने का सपना छोड़ दे, ये पहली बता देता हूँ मैं। जिसका भी ये ख्वाब है कि वो सिंगर बनना चाहता है तो सवेरे उठ लेना, नहीं उठोगे नहीं बनोगे, ये मैं लिख के दे देता हूँ। पर्टिकुलर एक एक चीज़ के लिए एक एक एक्सरसाइज वहाँ पे वर्णित है, उसी तरह से। और ये एक्सरसाइज क्या करती है, जब रोज़ाना जब उसी चीज़ को दोहराते हो तो इन्हेंस करती है, इन्हेंस यानी बढ़त, इजाफा शरीर में। भाई रोज लेग डे किया तो थाई मसल्स में इजाफा हुआ, यानी कि एक दिन करने से नहीं हो जाता है। खेल खेल में जाने कितनी धनुहियां तोड़ डाली मैंने, खेल खेल में। जैसे कि रियाज शब्द का अर्थ लोगों को नहीं मालूम है, सिर्फ सुना है सिंगर्स से, गुरुओं से, रियाज किया करो, है ना, या तुम्हारा रियाज कम है, या रियाज करने से गला अच्छा हो जाता है। ये रियाज क्या चीज है, किस चिड़िया का नाम है, ये किसी ने नहीं बताया। रियाज एक उर्दू लफ्ज है जिसका मतलब होता है प्रैक्टिस, अभ्यास। वो तो आप करते हैं, है कि नहीं, लेकिन अभ्यास शब्द के मानी भी हमको क्लियर नहीं है, अभ्यास शब्द के मीनिंग भी हमें क्लियर नहीं है। बचपन में किया करते थे दोहरान कार्य, जिसे हम रिवीजन कहते हैं, उसका क्या अर्थ होता था, हम उसी सिखाई गई चीज को जो हमें क्लास में पढ़ाया था उसको दोहराते थे, तभी वो रिवाइज होता था। दोहरान इसीलिए उसे कहा जाता था कि वो दोहराया जा रहा है बार बार बार। कहते ना 10th 12th के बच्चे, यार मेरा तो पूरे सिलेबस का 2 बार रिवीजन हो गया है, 2 बार रिवीजन पूरे सिलेबस का। या कोई कहता है मेरा तो 4 बार हो गया, 4 बार रिवीजन कर लिया मैंने, उसका क्या अर्थ हुआ, पूरे के पूरे सिलेबस को उन्होंने 2 बार पढ़ लिया, फिर पूरे के पूरे सिलेबस को उन्होंने 3 बार पढ़ लिया, पूरे के पूरे सिलेबस को उन्होंने 4 बार पढ़ लिया। इसे अभ्यास कहते हैं, उस चीज को दोहराना। अब एक्सरसाइज, ये एक शब्द होता है। दो चीजें समझाइए मैंने, एक तो प्रैक्टिस का मतलब समझाया कि कोई भी चीज दोहराना उसका मतलब हो गया आपने वो प्रैक्टिस करी है, रिहर्स करी है ना। जैसे कि अंकित जी ने बोला कि वो क्या करते हैं शाम में, कोई भी राग ली उसके पलटे हैं वो दोहराते हैं, चलन है वो दोहराते हैं, रोज यही करते हैं, है कि नहीं, लगभग लगभग थोड़ा बदलाव करके मगर लगभग लगभग यही चीजें करते हैं। वर्जिश एक लफ्ज होता है उर्दू में, उसका मतलब भी यही होता है, एक्सरसाइज, फिजिकल एक्सरसाइज। जब हम जिम जाते हैं तो क्या एक्सरसाइज करते हैं, वही डंबल हैं उन्हें उठाते हैं, वेट लिफ्टिंग करते हैं, या फिर पुशअप्स, पुलअप्स, या उठक बैठक। ये जो वर्जिश है ये हम रोजाना करते हैं, रेगुलर करते हैं। क्यों करते हैं, करने को तो एक बार हमने आज ये वाली करी, कल दूसरी वाली कर लेंगे तो भी तो हो जाएगा, और तीसरे दिन तीसरी एक्सरसाइज। जिम में रोजाना एक ही एक्सरसाइज आप लोग करा करते हैं, या यूं कहें कि भाई कई बार तो जिम का एक शेड्यूल भी होता है कि आज कार्डियो का डे है, आज लेग डे है ना, इस तरह से आपने सुने होंगे ये वर्ड्स, है ना, कि आज कार्डियो डे है, भाई कार्डियो की एक्सरसाइज आज करनी है, आज लेग डे है, आज लेग्स की एक्सरसाइज होगी जिसमें थाइज की होगी, है ना, आपके काफ मसल्स की एक्सरसाइज होगी, है ना, आज ये मैं एब्स के लिए एक्सरसाइज कर रहा हूँ, ये मेरा अलग रूटीन है, ये 30 दिन के एक अलग रूटीन जाएगा जिसमें मैं सिर्फ एक्सरसाइज वो करूँगा जिसकी एब्स की जो जिसमें बढ़त हो, है कि नहीं। पर्टिकुलर एक एक चीज़ के लिए एक एक एक्सरसाइज वहाँ पे वर्णित है, उसी तरह से। और ये एक्सरसाइज क्या करती है, जब रोज़ाना जब उसी चीज़ को दोहराते हो तो इन्हेंस करती है, इन्हेंस यानी बढ़त, इजाफा शरीर में। भाई रोज लेग डे किया तो थाई मसल्स में इजाफा हुआ, यानी कि एक दिन करने से नहीं हो जाता है, वो चीज़ रोज करनी है, लगातार महीने भर तक करी तो फर्क आया, हाँ थाई मसल्स स्ट्रांग हो गई, काफ मसल्स स्ट्रांग हो गई, या अब हमें यहाँ पे जो क्या बोलते हैं एब्स हैं वो नज़र आने लगे हैं, या ट्राइसेप्स जो हैं अब हमारे मसल्स में शेप आने लगा है, बाइसेप्स में शेप आने लगा है, जब रोज़ाना उसे किया नियमित और निरंतर रूप से, रेगुलर और विद डिसिप्लिन हमने किया, ठीक है। वही काम रियाज में होता है, एक एक्सरसाइज ली जाती है, प्रेजेंटेशन नहीं। ये 2 वर्ड्स हैं, लिख लीजिएगा, एक्सरसाइज और प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन यानी प्रस्तुति की चीजें, ख्याल या कोई गीत, ये प्रस्तुति की चीजें हैं,
है कि नहीं। हम किसी के सामने कोई अगर हमें कोई बोलता है कि हाँ संगीत सीखते हो, कुछ सुनाओ, सरगम थोड़ी सुनाते हैं, सरगम पता नहीं सा सुनाते हैं क्या, नहीं, कोई गीत सुनाएंगे, कोई ख्याल सुनाएंगे, ख्याल यानी जो रागों में गाई जाती हैं बंदिशें, उन्हें ख्याल कहते हैं, छोटा ख्याल, बड़ा ख्याल सुना दिया, कोई गज़ल सुना दी, कोई ठुमरी सुना दी। तो ये क्या चीज़ें हैं? प्रस्तुति की चीज़ें हैं, प्रेजेंट कर रहे हो किसी के सामने, रिप्रेजेंट कर रहे हो अपने आप को, है कि नहीं, और प्रस्तुति कर रहे हो। तो इनकी तैयारी नहीं होती है, इनको रिहर्स कर सकते हो, ये एक्सरसाइज में नहीं आती हैं। एक्सरसाइज में क्या आता है? सरगम, ताल, लय, पिच, वॉइस रेंज, है कि नहीं, इन चीज़ की एक्सरसाइजेज होती हैं जिनसे कि गला इन्हेंस होता है। जैसे कि अगर मैं आपको कहता हूँ कि सवेरे उठकर आपको सबसे पहले ओमकार लगाना है, ओमकार यानी ओमकार मंत्र आप सभी लोग जानते होंगे, और उस ओमकार मंत्र के 5 अक्षर हैं, जो ये पंच अक्षरीय मंत्र है एक्चुअली में, इस ओमकार का उच्चारण सवेरे उठकर 5 बजे या 4 बजे सूर्य उदय से पहले ब्रह्म मुहूर्त में आपको करना है अपने पिच अकॉर्डिंग, उसको एक्सरसाइज कहेंगे। तो एक्सरसाइजेज में और प्रेजेंटेशंस में फर्क होता है, ये सबसे पहले समझिए, फिर ये जानिएगा कि रियाज क्या चीज होती है। रियाज मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मैं रोज गाने की एक प्रैक्टिस करता हूं, कि मैं रोज लता जी का एक गाना ले लेता हूं, उस गाने को रोज दोहराता हूं, उसे एक्सरसाइज करना नहीं कहते हैं। ये उसी तरह से हो गया, जैसे कि मैं हमेशा एग्जाम्पल देता हूं जब प्रेजेंटेशन और एक्सरसाइज का एग्जाम्पल, क्या देता हूं मैं, कि एक चार गुंडे हैं, बड़ी ही खूबसूरत एक हसीन लड़की है, उसको परेशान कर रहे हैं, और आप वहां एक हीरो, माचो हीरो की तरह एंट्री करते हो, है ना। ये वैसे आज की सिचुएशन नहीं, वाह, आज तो फेमिनिज्म है तो खैर उनको ज़रूरत नहीं है, इक्वालिटी है, तो मैं आज की सिचुएशन पे ना बोलूँ, नहीं तो लोग मुझे सेक्सिस्ट बोलेंगे। तो मैं ये पुरानी फिल्मी सिचुएशन बता रहा हूँ, धर्मेंद्र के टाइम की सिचुएशन, एक फिल्म की सिचुएशन का एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है, मेरा एग्जाम्पल नहीं है, तो मुझ पर इल्ज़ाम ना आए तो बेहतर होगा। तो ये पुरानी फिल्म की सिचुएशन का एग्जाम्पल मैंने दिया कि वहाँ एक हीरो है, 4 गुंडे हैं, एक लड़की है, एक हीरोइन है, उसको बचाना है। तो हीरो वहाँ क्या करेगा? गुंडों की पिटाई करेगा ना, और जैसे जैसे जो जो फाइटिंग टेक्निक्स उसे आती होंगी उससे वो मारेगा। भैया कराटे आएगा तो वो वैसे हराएगा, धोबी पछाड़ आएगा तो वैसे मारेगा, कुश्ती करेगा, है ना, या नॉर्मल जो बॉलीवुड की फाइटिंग होती है वो वाली करेगा। तो अलग अलग फाइटिंग टेक्निक्स का इस्तेमाल करेगा ना, वहां जाके वो पुशअप्स या पुलअप्स तो नहीं लगाएगा, लगाएगा क्या कि आप थोड़ी देर छेड़ लो जब तक मैं थोड़ा अपना बॉडी बिल्डअप कर लेता हूं, एक्सरसाइज कर लेता हूं, या 1 मिनट में रनअप लगा के आता हूं 1 किलोमीटर का, ये नहीं करेगा ना। तो वहां प्रेजेंटेशन क्या है? आपकी टेक्निक्स का इस्तेमाल, कि फाइटिंग स्टाइल क्या है आपकी, उस स्टाइल का इस्तेमाल करो और बचाओ उधर, है ना। या वेट लिफ्टिंग करनी है, आपको काम दिया आपकी मम्मी ने कि ये टंकी है, गैस की टंकी आई है, अंदर लगाओ, चलो बाहर आइए, बाहर से आपको अंदर तक ले जानी किचन तक, तो क्या करोगे? वहां बैठ के पुशअप्स पुलअप्स नहीं करोगे या जॉगिंग नहीं करोगे? शक्ति प्रदर्शन, जिसे कि मैंने प्रदर्शन बोला, प्रस्तुति यानी कि प्रेजेंटेशन, शक्ति प्रदर्शन जिसे हम कहते हैं, ये शक्ति प्रदर्शन ही तो है जो आप कर रहे हैं वहां पे, अपनी स्ट्रेंथ का प्रेजेंटेशन, की मुझ में कितनी स्ट्रेंथ है, मैं क्या क्या उनसे लड़ सकता हूं, क्या मैं वो चीज उठा सकता हूं, क्या मैं ये हटा सकता हूं, शो करना उस चीज को। और ये शक्ति अर्जित करने का काम होता है जो रियाज होता है। जिस तरह से हमारी जो माताएं हैं, जैसे मैं मेरी ही मम्मी का एग्जाम्पल दूं, मेरी मम्मी को मैं कहता हूँ थोड़ा सा एक्सरसाइज किया करो माँ, थोड़ा शरीर आपका स्वस्थ रहेगा, वरना आपके बैक पेन होती रहती है, हाथ पांव दुखते हैं। तो वो अन्य महिलाओं की तरह, जैसे कि हमारी माएँ अक्सर एग्जाम्पल देती होंगी कि अरे हमें कहाँ ज़रूरत है इस एक्सरसाइज की, हम तो दिन भर काम करते हैं, कभी किचन में काम करते हैं, कभी हम पूरा घर साफ करते हैं, साफ सफाई इतनी करते हैं, हम ऊपर से नीचे हम उठाधरी करते रहते हैं, हमें कहाँ एक्सरसाइज की ज़रूरत है कि नहीं। आप लोगों में से कई लोगों का यही एक्सक्यूज होगा कि हम क्यों एक्सरसाइज करें, हम तो दिन भर काम करते रहते हैं, शरीर चलता रहता है। तो वो शक्ति अर्जित नहीं कर रहे हो वहाँ, वहाँ आप शक्ति प्रदर्शन कर रहे हो। अगर आपने झाड़ू पोंछा किया है या फिर आपने कुछ भी काम किया, कोई चीज़ उठाई है, कोई रखी है, तो शक्ति का प्रदर्शन हुआ है, इस्तेमाल हुआ है, ऊर्जा का इस्तेमाल हुआ है, ऊर्जा आपकी वेस्ट हुई है, गेन कुछ नहीं किया। लेकिन रियाज वो चीज़ है जिससे कि चीज़ें गेन होती हैं, समझ रहे हो। टेक्निक्स अलग हैं और एक्सरसाइजेज अलग हैं। तो ओमकार मंत्र, पंचक्षरीय मंत्र, जैसे कि मैंने बोला कि अ उ ओ ओं हम मकार, लिख लीजिए ये 5 अक्षर, ये सवेरे उठकर आप लोगों को करने हैं। लेकिन जो सवेरे नहीं उठेगा और जो अल्टरनेट मांग रहा है, वो सिंगर बनने का सपना छोड़ दे, ये पहले ही बता देता हूं मैं।
जिसका भी ये ख्वाब है कि वो सिंगर बनना चाहता है तो सवेरे उठ लेना, नहीं उठोगे नहीं बनोगे, ये मैं लिख के दे देता हूँ। स्क्रीन पर आपके आ रहा होगा अभी ये एक तस्वीर आ रही है, ओम सबसे पहले लिखा हुआ है और ये बगल में इन्फिनिटी का साइन है, इन्फिनिटी यानी अनंत। ओम हम सब जानते हैं प्रणव अक्षर है, प्रणव यानी प्रथम सबसे पहला अक्षर, वही इस धरती पे हुआ था। अब इसे स्पिरिचुअलिज्म कह लो या फिर साइंटिफिक भी कह लो। वॉवल्स, सबसे पहले वॉवल्स ने ही जन्म लिया है, कॉन्सोनेंट्स बाद में आए हैं। इंसान ने भाषा अगर बोली है तो सबसे पहले, क्योंकि उसको मालूम नहीं था कि शब्दों का उच्चारण कैसे होगा, तो सिर्फ होठों के उच्चारण से वो आओ 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 ऐसे बात किया करता था, ध्वनियां निकाला करता था खाली, साउंड्स। तो वो कौन से साउंड्स थे? वॉवल्स। ठीक है, तो यही वॉवल्स हैं जिसका सबसे पहला रियाज होता है, ओमकार मंत्र। और इसी ओम के टुकड़े करो तो ओ और म, ये मकार निकलता है, जिसे लोग कहते हैं हमिंकार रियाज। तो अगर ओम के टुकड़े करोगे, विच्छेद यानी तोड़ना, और वर्ण विच्छेद यानी वर्ण यानी उस शब्द को तोड़ना, और संधि यानी उसे जोड़ देना, या कहें वर्ण संयोग, संयोग भी जोड़ देना, वियोग जैसे कहते हैं ना, संयोग यानी मिलना और वियोग यानी बिछड़ना, अलग होना। ठीक है, तो यहां हमने ओम का वर्ण विच्छेद किया तो क्या बना? ओम। ओम को बोल के देखो तो यही निकलेगा, अभी सब लोग बोलो ओम, तो एक अक्षर नासिका में जाता है ओम। फिर उस ओ को तोड़ोगे तो संस्कृत के अनुसार ओ जब टूटता है तो ओ बनता किससे है? अ और उ से। ये दो ऋष्व सुर हैं, इन दोनों से एक दीर्घ सुर बनता है, वो है ओ। तो अ उ ओम। फिर इसको और तोड़ दिया जाए तो अ उ ओ ओम। ये पांच अक्षर हैं, जब तक इनका उच्चारण नहीं सुधारोगे कुछ नहीं होने वाला, इनका असर ही नहीं होगा गले में। उच्चारण क्या है? अ उ, ऊ नहीं है, बड़ा ऊ नहीं है, छोटा है, अ उ ओ ओ म। फिर इस ही को जोड़ते हुए जाओगे तो देखिए कि ये धार कैसे ओम तक जुड़ रही है, जैसे कि हाँ मैंने अभी अभी वर्ण संयोग अ उ ओम को जोड़ोगे, जल्दी जल्दी बोलने लगो, बोल के देखो ये पांच अक्षर जल्दी जल्दी, अ उ ओ ओ म, 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 अ उ ओ ओ म। तो अ उ ओ ओ म, ये पांच अक्षर जब जल्दी जल्दी बोलने लगते हो तो क्या स्टेज आ जाती है? अ उ ओ म की, जो कि आप थर्ड लास्ट लाइन देख सकते हो, अ उ ओ म। फिर उसको और जल्दी बोलो तो ओम, फिर और जल्दी बोलो तो ओम। तो ये देखा आपने कैसे त्रिकोण बना, सबसे पहले तो एक सीधा फिर उल्टा त्रिकोण बना, तो ये क्या बना? एक डायमंड बना। और ये असल में एक डायमंड नहीं, ये इन्फिनिटी का साइन है, जैसे कि बगल में बना हुआ है। इन्फिनिटी यानी अनंत, जिसका ना कोई आदि ना कोई अंत, ना कोई शुरुआत ना कोई एंड, है ना, उसे कहते हैं ओम। ओम में सब कुछ समाया है, गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा है एक ओंकार, एक ओंकार से शुरू होती है। ओम का किसी मजहब जात धर्म किसी से कुछ लेना देना नहीं है, ओम इंसानियत का लफ्ज है, इंसानियत का शब्द है, या यूं कहीं सृष्टि का शब्द है, सिर्फ इंसान तक क्यों सीमित रखें, हर जीव हर जंतु का शब्द है। ठीक है, तो ये इसका रियाज आपको करना है। अब देखिए इसमें डिटेल चीजें मैंने एक अपने चैनल पर, अभी हाल ही में एक सीरीज चला रहा हूं मैं जो रियाज के ऊपर ही है, आपके सारे सवालों के उसमें जवाब हैं। अगर मैं यहां से शुरू करूं एपिसोड वन से मैंने टॉपिक लिया था एक एक कि मॉर्निंग वोकल रियाज के फायदे क्या क्या होते हैं, छोटे छोटे वीडियोस में मैंने आपको सारी डिटेल दी है। सबसे पहले फायदे बताए हैं, फिर प्रिकॉशंस बताए हैं कि किन किन चीज़ों की आपको सावधानी रखनी है रियाज करते समय। उसके बाद तीसरा टॉपिक लिया है कौन से पिच से किया जाता है रियाज, ओम का रियाज कैसे करें, जैसे कि देखिए आप ओम आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा इसमें भी। उसके बाद इनका उच्चारण कैसा साफ होना चाहिए वो बताया, फिर इससे सांस कैसे बढ़ाई जाती है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज इसी मंत्र से, फिर आपके सवेरे की दिनचर्या की, जो सवेरे के रियाज की दिनचर्या क्या होनी चाहिए उस पर बताया है। तो ये फ़र्ज़ मेरा ही है, ये मेरी ही जिम्मेदारी है कि आप सभी लोगों तक ये चीज़ पहुँचाऊँ कि असल बात क्या है। वरना रियाज तो जैसा कि हमने अभी, जिनका सवाल था मैं नाम भूल गया माफ़ी चाहूँगा, जिन्होंने ये सवाल किया था कि रियाज में क्या करना होता है, और जो शाम में करते हैं सबसे पहले तो यमन भोपाली गा लेते हैं, है ना, आरो अवरो गा लेते हैं, तो वो प्रस्तुति की चीज़ें हैं, शक्ति अर्जित करने की नहीं। शक्ति अर्जित करना किसे कहते हैं? इकट्ठा करना, गेन करना। तो गेन करने के लिए एक्सरसाइज होती है, प्रेजेंटेशन नहीं होती है। जो लोग कहते हैं कि हम तो प्रोग्राम करते हैं, हमारे तो भैया शोज होते हैं,
कॉन्सर्ट्स करते हैं हम तो, गाने गाते हैं, रोज गाना गा रहे हैं, हमें रियाज की कहाँ आवश्यकता। सोनू निगम साहब बहुत फेमस आदमी, बहुत गुणी आदमी, वो व्यक्ति क्यों सवेरे उठ के रियाज करता है? अगर रियाज की आवश्यकता नहीं है प्रेजेंटेशन करने वालों को, उनको तो कहाँ गाने की कमी है, उनके तो आए दिन 10-10, 20-20 रिकॉर्डिंग्स होती हैं, तब भी वो व्यक्ति रोजाना रियाज करता है। लता मंगेशकर जी जब तक जीवित थी रोजाना रियाज करा करती थी सवेरे उठ के, क्यों, उनको कहाँ जरूरत है, वो तो स्वर कोकिला हैं, उनके गाने तो हम यहां कानों से नहीं दिल से सुनते हैं, उन्हें रियाज की कहां जरूरत। वो तब भी सवेरे उठकर शक्ति अर्जित किया करती थी, उनमें तो इतनी शक्ति थी ऑलरेडी गाने की, इतने सालों किया तो उन्हें क्या फिर जरूरत थी कि आगे और करने की जरूरत है, पा लिया ना जो सुर पाना था, हो गए सुरीले, छा गए पूरी दुनिया पे, तब भी क्यों किया, शक्ति अर्जित करते रहते हैं। जो हो जाते हैं ना भाई जिम वाले, रोज जिम जाते हैं, है ना, ऐसे दीवाने होते हैं जिम के कि जिम के लिए कुछ भी छोड़ देते हैं, है कि नहीं। तो वो दीवानगी आप वॉइस जिम के लिए लाइए, वॉइस जिम, ये शंकर महादेवन की जी की जो अकेडमी है उन्होंने ये टर्म दिया है ना वॉइस जिम, तो वॉइस जिम क्यों बोला उन्होंने, जिम मतलब वो जहां शक्ति अर्जित की जाती है, ठीक है। तो शक्ति अर्जित करनी है तो ये 5 मंत्र सवेरे सवेरे लगाने हैं अपने पिच अनुसार। जो छोटे बच्चे हैं, जो महिलाएं हैं, वो 5वीं और 4थी काली से लगाएंगे, और जो बड़े मर्द हैं जिनकी आवाज़ मैच्योर हो चुकी है, थोड़ी भारी हो चुकी है, वो पहली काली से यानी सी शार्प से लगाएंगे, ठीक है। कोशिश अगर आप लोग करेंगे तो फ़ायदा आप लोगों को होगा, मेरा क्या है, मैं बात बताऊंगा चला जाऊंगा, है ना, लेकिन असर आप लोगों को अगर पाना है तो इसी से होगा। गाने सीखने से असर नहीं होगा, ये मैं लिख के दे देता हूँ। सुर में गहराई जिसे कहते हैं, सुर की डेप्थ जिसे कहते हैं, वो समझ नहीं आती लोगों को, जिसे डेप्थ कहा जाता है। सुर का मैच करना तो सबको समझ आ जाता है कि ये सा मैच हो रहा है, ये मैच आपका भी हो रहा है, मेरा भी हो रहा है, फिर वो गहराई कहाँ है, जो डेप्थ है, वो डेप्थ मापी नहीं जा सकती है, वो डेप्थ महसूस की जाती है कि हाँ ये वाकई सुर में गहरा है, है ना। अब यही वॉवल्स हैं, अब अ उ ओ ओम, ये आपको बोलने हैं, अब ये किस तरह से बोलने हैं मैंने बताई दिए, और इन पर पूरी जो चर्चा है, पूरी जो डिटेल है, वो मैंने उन वीडियोस में दी है। अभी इतने सारे लोग यहाँ बैठे हैं, इनमें से 1 या 2% होंगे जो मेरे बताने से पहले ही सवेरे करते होंगे, वरना आज तक आप सभी लोग मेरे ख्याल से दोपहर और शाम में रियाज कर लिया करते होंगे। किसी को मालूम ही नहीं है कि सवेरे भी करना होता है क्या, या नहीं करेंगे तो कुछ फर्क पड़ रहा है क्या खास, सवेरे नहीं करो तो क्या हो गया, दिन दोपहर शाम तो है ना, कभी भी कर लेंगे, ये सबके मन में था। लेकिन मैं ये कह दूं कि अल्टरनेट है ही नहीं, ऑप्शन है ही नहीं, आप तो ऑप्शन मान के चल रहे हैं इसीलिए दोपहर या शाम में कर लेते हैं, लेकिन मैं ऑप्शन दे ही नहीं रहा हूं आपको, ये लकीर है पत्थर की, ये लक्ष्मण रेखा है कि ऑप्शन नहीं है, सवेरे करना है मतलब सवेरे करना है, और यही 5 मंत्र करने हैं, और इसके आगे फिर धीरे धीरे हम टेक्निक्स और बढ़ाएंगे, क्योंकि एक ही रियाज से सब कुछ नहीं हो जाता है, ऐसे थोड़ी कि वही पुलअप्स और वही पुशअप्स करते रहोगे तो पूरी बॉडी बन जाएगी, बनती है क्या, नहीं ना भैया। अभी मैंने एग्जांपल दिया था, लेग डे अलग होता है, कार्डियो अलग होता है, बाइसेप्स की एक्सरसाइज अलग होती है, ट्राइसेप्स की अलग होती है, रनिंग से अलग फायदा होता है, है ना, और पुलअप्स पुशअप्स लगाने से चेस्ट की एक्सरसाइज अलग होती है। तो ये जैसे कि हर अंग की एक्सरसाइज अलग होती है, उसी तरह से गायकी में भी हर अंग की एक्सरसाइज अलग होती है। कुछ दिन पहले अभी मैंने अलंकार के प्रकार, इस पर एक वीडियो बनाया, वो भी जल्द आएगा, जिसमें आपको ये मालूम चलेगा कि सिर्फ अलंकार पलटों का रियाज नहीं, पलटों का रियाज, कौन कौन से पलटे, कौन से पलटे गाने से क्या असर होगा, वो भी मालूम होना चाहिए, ऐसे थोड़ी बस पलटों का रियाज गाए जा रहे हैं, है कि नहीं।